इस आइलैंड के बीचों बीच है एक बड़ा सा वाटर स्लाइड। हालांकि 8 साल के बच्चे तक इस राइड की सवारी कर चुके हैं, शायद मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन इस वाटर स्लाइड पर जाने से पहले हमने यहाँ की बाकी सुविधाएं देखी, जैसे कि इस आइलैंड पर 100 से भी ज्यादा जेट स्कीज हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? और तो और यहाँ है जिप लाइन्स जो आपको इस मैन मेड बीच के उस पार ले जाएंगी। ये हेलमेट किस लिए है? मैं किससे टकराने वाला हूँ? जमीन से, और क्या। क्या कभी कभी लोग गिर जाते हैं? वाकई में डरावना है। गुड लक। थैंक यू। मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। कमाल का है। इसमें इतना भी मजा नहीं आ रहा। अगर आपके पास ये आइलैंड है तो आप अपने 13,000 से भी ज्यादा दोस्तों को यहाँ बुला सकते हैं और इन 5 विशाल पूल्स में से कहीं भी पार्टी दे सकते हैं। इसे देखकर लगता है कि इसे माइनक्राफ्ट में बनाया गया था और इसमें अपने 2 दोस्तों को देखकर बहुत हंसी आ रही है। नोलन एक शक्कर के दाने जितना दिख रहा है। $250 मिलियन में इस आइलैंड पर बहुत से एग्जॉटिक एनिमल्स हैं। क्या ये एक पीकॉक है? सर, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। सर, और हर वो गेम जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अरे यार, मैं चाहता हूँ कि वो 13,000 लोग यहाँ आकर देखें कि ये खेल में कितना बुरा है। क्या ये सॉकर पूल है? इस आइलैंड पर ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की कि इस आइलैंड पर बस हम 4 लोगों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लाइफगार्ड्स हैं। इस आइलैंड पर कितने लाइफगार्ड्स हैं? 100 से ज्यादा। इतने लाइफगार्ड्स हैं तो आपको डूबने में मुश्किल होगी, तो मैंने सोचा कि इन्हें एक दिन की छुट्टी दे दी जाए। क्या पहले कभी किसी ने इस पूरे आइलैंड को रेंट किया है? कभी नहीं। वाह, हम लोग पहले हैं। दोस्तों उल्टे बैठे हो।